हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल डिजिटल पावर में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे मुख्यमंत्री निश्चय योजना 2 के बारे में, यानी इसके अंतर्गत जितने भी ग्रामीण इलाके हैं या शहरी इलाके हैं, जितनी भी गली है जी फ्रेंड्स, जितनी भी गली है, स्ट्रीट है, वहां पे या चौराहा है, वहां पे इस योजना के तहत सोलर लाइट की व्यवस्था किया जाएगा जी फ्रेंड्स। इसके लिए सर्वे शुरू हो चुका है, बहुत ऐसे स्थान है जहां पे सर्वे पूरा हो चुका है और बहुत ऐसे स्थान है जहां पे बाकी है। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम लेंगे कि स्ट्रीट या जो गली में जो सोलर सिस्टम लगने वाला है उसके लिए सर्वे कहां कहां पूरा हो चुका है, कहां बाकी है, ये आप कैसे चेक कर सकते हैं, आपको अपने मोबाइल फोन से कैसे आपको चेक करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह करेंगे गुजारिश कि चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट का लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ पे जो योजना काम करेगा वहां पे आप देख सकते हैं कि बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी की तरफ से और मुख्यमंत्री निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत सभी जो वार्ड होंगे उस वार्ड में सोलर लगाया जाएगा। यहाँ पे नीचे जब स्क्रॉल कीजिएगा, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा आपका जो डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट में टोटल कितने वार्ड है, कितने ऐसे वार्ड का सर्वे हो चुका है, और यहाँ पे आपको मिलेगा पोल और मीटिंग कितने हुए, प्रोसेलिंग कितने हुए, टोटल यहाँ पे कितने पंचायत है ग्राम पंचायत में ए डब्ल्यू आई एम सी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो ग्राम पंचायत ग्रामीण एरिया आते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। तो ये सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको किसी पार्टिकुलर ग्राम पंचायत का देखना है तो यहाँ से सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट का, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करना है। डिस्ट्रिक्ट क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका ब्लॉक ओपन हो जाएगा, ब्लॉक के यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद अब आपके सामने ओपन होगा आपका ग्राम पंचायत। यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत में यहाँ पे बरवा ग्राम पंचायत, इसमें टोटल 13 वार्ड है और इसमें 13 वार्ड के जो सर्वे हो चुका है और इसमें टोटल 130 पोल काउंट किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मीटिंग की संख्या यहाँ पे देख सकते हैं, मीटिंग आपको 13 जगह होगा और प्रोसीडिंग जो होगा वो 13 जगह होने वाला है। टोटल की बात कर ले तो टोटल 130 यहाँ पे पोल काउंट किया गया है इस पंचायत में। क्लियर फ्रेंड्स, यानी 130 ऐसे पोल हैं आपके ग्राम पंचायत में, यानी बरवा ग्राम पंचायत में इस पोल पे आपको सोलर सिस्टम लगने वाला है और यहाँ पे जो सोलर वाला है प्लेट आपको लगाया जाएगा। इस तरह आप चेक कर लीजिएगा कि आपको कितने ग्राम पंचायत हैं, कितने ग्राम पंचायत का सर्वे हो चुका है, कितने पोल टोटल काउंट हुए हैं। यानी एक आसान शब्दों में कहें तो यहाँ पे हर वार्ड में, यानी एक वार्ड की बात कर ले, सभी वार्ड में आपको 10 पोल का सिलेक्शन किया गया है और 10 सोलर साइट आपको लाइट लगने वाला है। सपोज यहाँ पे आप खुद चेक कर लीजिए इसका, अगर हम भाग दें इससे डिवाइड करें 130 डिवाइडेड बाई 13, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 पोल काउंट होगा। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे एक जैसे लॉजिकल हम लोग रीजनिंग का कंपेयर करते हैं उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 14 पंचायत है, 14 पंचायत में 140 पोल काउंट हुए हैं। इस हिसाब से यही ना हुआ फ्रेंड्स कि 140 डिवाइडेड बाई 14 यानी 10, यानी यहाँ पे बस इतना फिक्स किया गया है कि जो एक वार्ड होगा उस एक वार्ड में सिर्फ और सिर्फ 10 ही पोल पे सोलर सिस्टम यानी सोलर लाइट लगाना है। ठीक फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे, अनुमानतः यहाँ पे 10 दिया गया है, 10 से कम भी हो सकता है, 10 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ चुके होंगे किस तरह आपका प्रोसेस आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद दिखा दें
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर में भी आ दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की स्वीकृति बैठक में दे दी गई है और यहाँ पे ग्रामीण वार्डों में 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगेंगे, यानी प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगेगा, जो सोलर लाइट यहाँ पे 12-20 वाट का होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि आपके जो भी जितने भी आपके ग्राम पंचायत होंगे और ग्राम पंचायत के जो वार्ड होंगे उस वार्ड में हर वार्ड में आपका सोलर लाइट लगेगा। सर्वे पूरा हो चुका है, हर वार्ड में आपको 10 लाइट लगेंगे, तो आप अपना पोल काउंट कर सकते हैं कि आपके वार्ड में कितने ऐसे पोल हैं। अगर 10 से ज़्यादा पोल होंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे किसी एक पोल पे आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर 10 है तो आपको औसतन 10 ही मिलने वाला है। तो दोस्तों आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि आपके ग्राम पंचायत में या आपके वार्ड में सर्वे हुआ है या नहीं हुआ है। जिनका हुआ है या नहीं हुआ है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। साथ साथ बता दें फ्रेंड्स कि इस योजना का लाभ जितने भी वार्ड मेंबर हैं यानी जितने भी यहाँ पे वार्ड है वार्ड के सभी सदस्यों को मिलेगा। ज्यादातर यहाँ पे संख्या यहाँ पे पोलों की होगी कि यहाँ पे आपको एक वार्ड में अधिकतम 10 ही पोल आपको दिए गए हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के नए अपडेट, नए वीडियो, नए रिक्रूटमेंट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।